गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण के बारे में। साथ ही हम जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो कि होता है इम्प्लांटेशन पेन। ये कब होता है, कैसे होता है, इसको पीरियड के पेन से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम जाने कि इम्प्लांटेशन का पेन है या आने वाले पीरियड का पेन है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि इम्प्लांटेशन पेन जो है वो हर किसी को होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब ये इम्प्लांटेशन पेन हमें होता क्यों है और ये कितना हल्का होता है या कितना ज़्यादा होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्प्लांटेशन पेन होता क्यों है। जब किसी लेडी का ओवुलेशन टाइम होता है तो क्या होता है, ओवरी से एक एग बाहर निकलता है जो कि मेल स्पर्म से मिलता है और फिर ये एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है और फिर ये फेलोपियन ट्यूब से जाके हमारी यूट्रस की बॉल में चिपक जाता है। जब ये यूट्रस की बॉल में जाके चिपकता है तो इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब ये चिपकता है यूट्रस की बॉल में तो ये अपने लिए एक जगह बनाता है। इस जगह के लिए जो ये जगह बना रहता है, जो गड्ढे बना रहा होता है, उस गड्ढे में क्या होता है कि हमारी पेट की जो नसें होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, हमारा जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें इम्प्लांटेशन पेन होता है। क्योंकि अभी इम्प्लांटेशन हो चुका है, इसके बाद ही आपको ये पेन स्टार्ट होता है, यूट्रस बढ़ता है, यूट्रस की नसें खींचती हैं, जिसकी वजह से हमें ये दर्द फील होता है। अब हम ये जानेंगे कि दर्द होता कहाँ पे है। ये दर्द जो होता है आपके पेट के निचले हिस्से में होता है, जो कि पेड़ू का हिस्सा होता है, वहाँ पे ये दर्द होता है। ये दर्द कभी आपको लेफ्ट में फील हो सकता है, कभी आपकी राइट में फील हो सकता है, क्योंकि जो एग होता है वो यूट्रस में किसी कहीं पे भी इम्प्लांट हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आपका जो दर्द होता है वो आपको फील होता है। जो ये दर्द होता है, इम्प्लांटेशन का जो दर्द होता है, ये बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का हल्का फील होगा। क्योंकि मुझे हुआ है इम्प्लांटेशन पेन और मुझे तब पता नहीं था कि ये इम्प्लांटेशन का पेन है और ये लगभग मुझे पीरियड से 11वें-12वें दिन पहले हुआ था, मतलब मेरा जो दूसरा वाला पीरियड आने वाला था उससे मुझे 11वें-12वें दिन पहले ही फील होने लग गया था ये, और मुझे तब पता नहीं था, बस हल्का हल्का पेन होता रहता था। ये पेन ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत पड़े, बहुत माइल्ड होता है, 3 से 4 दिन के लिए रह सकता है, 2 दिन के लिए रह सकता है, और इसमें आपको कोई भी दवाई वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे पहले जो इम्प्लांटेशन पेन है, इसको जानने की ज़रूरत है आपको कि जो पीरियड वाला पेन होता है वो पीरियड से लगभग 1 दिन पहले होगा या 2 दिन पहले होगा, लेकिन जो इम्प्लांटेशन का पेन है वो आपको पीरियड आने के लगभग 11वें-12वें दिन भी फील हो सकता है। और डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल कितने दिन की है, क्योंकि जिन सारे लोगों की साइकिल अलग होती है, किसी की 28 दिन की होती है, किसी की 30 दिन की होती है, किसी की 32 दिन की होती है, तो उस अकॉर्डिंग हमें ये पेन होता है। तो मेरा जैसे पीरियड था वो 30 दिन का था, तो 30 दिन के अकॉर्डिंग मुझे पीरियड आने के 11वें-12वें दिन पहले फील हुआ था ये पेन, और इस पेन से आपको पता चल सकता है कि आप इस बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। जब इम्प्लांटेशन पेन होता है तो आपको हल्का सा स्पॉटिंग भी होती है, हल्का सा जो पिंकिश कलर का ब्लड है वो भी आपको फील हो सकता है, ये भी पीरियड आने से पहले ही होता है। अगर आपको हल्की स्पॉटिंग हो रही होती है तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये आपको 1 या 2 दिन रह सकती है, हल्का सा स्पॉट आता है इसमें पीरियड के जैसे जो ब्लड होता है वैसा नहीं आता है। तो इन चीज़ों से आप पहचान सकती हैं कि आपको ये इम्प्लांटेशन का पेन या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और या फिर ये पीरियड आने वाला है। क्योंकि पीरियड का जो पेन होता है वो बहुत 1-2 दिन पहले ही होता है, ये बहुत पहले होने लगता है, तो इस चीज़ से आप पहचान सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपको पता है कि हाँ अभी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो आपको इंतज़ार रहता है कि इस महीने आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी या अगले महीने अगर आपका पीरियड आ गया तो आप अगले महीने के लिए ट्राई करेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ अभी हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, या फिर अगर हमारा इम्प्लांटेशन पेन अगर आप पहचान लेती हैं तो उस तरीके से आप प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देती हैं। आप कोई वेट भारी वेट मत उठाइए, आप कोई पेन किलर मत लीजिए किसी भी तरीके के दर्द के लिए। यहाँ पे और भी सारे सिम्टम आते हैं जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसके साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि आपके पीरियड से पहले आपको नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको हल्का चक्कर आ सकते हैं, आपका जी मिचलाना, आपके टेस्ट जो हमारा टेस्ट होता है वो चेंज होना, आपको अजीब अजीब सी स्मेल आना। यहाँ पे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे जो सबसे पहला लक्षण था प्रेगनेंसी का वो यही था कि मुझे हल्का हल्का दर्द होना शुरू हुआ था पेट के निचले हिस्से में, और वो मुझे तब नहीं पता था कि वो इम्प्लांटेशन का पेन है।
बस मुझे हल्का हल्का दर्द होता था, तो मैंने एक दिन देखा, दो दिन देखा, वो दर्द जब नहीं बंद हुआ तब मुझे डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही थी, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए और हमने सोचा कि हम गायनी को ही दिखाएंगे, क्योंकि जो लोग ट्राई कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए उनको पता होता है कि हाँ वो कभी भी प्रेगनेंट हो सकते हैं, तो गायनी के पास ही जाना है आपको, वही आपको सही से चीज़ें बता सकती है। तो जैसे ही गायनी ने मेरा टेस्ट किया, मुझे पता चल गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे पीरियड आने का वेट ही नहीं करना पड़ा, मुझे पता था कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए जागरूक थी। तो आपको भी जागरूक रहना है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको भी जागरूक रहना है इन सारी चीज़ों के लिए, जिससे कि आप पहले से प्रिकॉशन ले सकें और आपका जो मिसकैरेज है उससे बच सकें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती है, इग्नोर करते रहते हैं, पेन किलर खा लेते हैं या फिर भारी वजन उठाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा कि मुझे पता ही नहीं था ये फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ मेरा कब निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। कभी कभी मिसकैरेज के भी बहुत सारे चांस बन जाते हैं मगर उस तरीके से प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो इसलिए बहुत जानना ज़रूरी है कि पीरियड आने से पहले ही आपको ये सारे सिम्टम देखने हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट पेन होना, बहुत ज़्यादा थकान फील होना, हर टाइम नींद आना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, ये सारे भी प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं जो कि आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देंगे। पीरियड मिस होने के बाद जो आपको सिम्टम दिखाई देते हैं वो अक्सर क्या होता है कि जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी ना आना जबकि उल्टी जैसा लगना, इसके अलावा सर में दर्द बना रहना, थकान फील होना, ये सारे क्या होते हैं जब पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद ये सारे सिम्टम आते हैं। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले आपको ये सारे जो सिम्टम होते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन पेन, हल्का चक्कर आना, ये सारी चीज़ें, आपका थोड़ा सा फीवर होना, टेम्परेचर बढ़ना बॉडी का, ये सारे आपको पहले दिखाई देंगे। तो इन सारे सिम्टम पे आपको नज़र बनाए रखनी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।